नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज़ और मैं कुणाल सिंह। आपको बता दें कि आज महापौर महोदया ने महत्वपूर्ण नई सूचना उपलब्ध कराई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में दो बहुत ही उपयोगी स्कीम जनता को मुहैया कराई जाएगी, जिसमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित पीएम वाणी योजना से सामान्य जन को लाभ होगा। दक्षिणी निगम पार्षदों की सहायता से वार्ड में फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान करने हेतु प्रति वार्ड 20 राउटर स्थापित किए जाएंगे। श्रीमती अनामिका मिथिलेश जी ने अपने निगम पार्षदों के साथ कहा कि निगम क्षेत्र में सिटीजन सर्विस सेंटर के माध्यम से जन सामान्य को बहुत कम चार्ज पर निगम की महत्वपूर्ण 15 नागरिक सेवा उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आम नागरिक को बिना किसी कार्यालय अधिकारी से संपर्क किए बिना ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर जमा करना, हेल्थ लाइसेंस, सामान्य दुकान लाइसेंस, वेटर लाइसेंस आदि बनवा सकेंगे या फिर नवीकरण करा सकेंगे। आप देखिए हमारे संवाददाता एस के सागर की रिपोर्ट। आज हमारी यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनवा रही थी वो पीएम वाणी योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, जिसमें हमारे दक्षिणी दिल्ली में हमारे जितने भी निगम पार्षद हैं उनके यहाँ जो है वाईफाई की योजना की जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जो निगम पार्षद जो हमारे भाई बंधु हैं वो सभी अपने जनता के हित में ये कार्य जो है वाईफाई का कार्य अपने वार्ड में लगाएंगे, जिसके कारण हमारे दिल्ली के ऐसे बच्चे और हमारे नागरिक जो वाईफाई की सुविधा अभी जो है वो नहीं ले पाए हैं, वंचित है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो इस सुविधा को लेकर लाभ। मैं माननीय रेलवे मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी से मेरी मुलाकात भी हुई और मैं स्पेशली अनऑथराइज वार्ड में अभी कंटेनर मंगवा रही हूँ और वहाँ पर स्कूल की भी मैं सुविधा करवा रही हूँ, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी हमारे फंड नहीं दे रहे हैं तो बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो जाए, उसके लिए हम कंटेनर मंगवा के और स्कूल जो है वह निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे। उसके बाद पॉली क्लिनिक भी हम अपने यहाँ जो दक्षिणी दिल्ली में बनवा रहे हैं कंटेनर मंगवा के, और तत्पश्चात हमारा ओखला लैंडफिल साइट के पास वो अभी हमसे वादा किए हैं कि कुछ हम लैंड देंगे और वहाँ पर बायो मिथेनल प्लांट जो है लगाया जाएगा, जिससे एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करके हमारे दक्षिणी दिल्ली को लाभ मिलेगी। और उसके बाद अभी जो है एक हमारे यहाँ जो है एनर्जी स्टेशन भी लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चार्जिंग जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उसको की जाएगी, जबकि हमारे केजरीवाल जी कहते हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, लेकिन सारा कार्य निगम कर रही है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो ये सब कार्य अभी हमारी प्रायोरिटी में है और अभी हम NTPC और हमारी निगम एक MOU करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दक्षिणी दिल्ली में सोलर पैनल मैं पूरे दक्षिणी दिल्ली को किया जाएगा और ये हमारी प्रायोरिटी है। जो ये पीएम वाणी योजना के अंतर्गत मेयर साहिबा ने हमारे वार्ड को वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए जो कहा, पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनके माध्यम से हमें वार्ड में वाईफाई की सुविधा मिलेगी। और ये कहना चाहती हूँ कि सभी को ये बहुत लाभान्वित करेंगे, क्योंकि जो ये कोरोना काल आया इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो गई, लोगों पे पैसे का भी अभाव है जिससे वो नहीं ले पाते वाईफाई वगैरह, तो इस तरीके से लोगों की पढ़ाई में छात्रों को भी बड़ा, युवा शक्ति को भी बड़ा इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये निःशुल्क है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ और मेयर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। 28 है उत्तम नगर से हूँ, जो पहले तो बहन जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें राउटर्स दिए हैं, इससे हमारे यहाँ वैसे भी अनऑथराइज कॉलोनी है कि लोगों को पैसों की बहुत कमी कोरोना काल से हो रही है, तो जैसे बहन जी ने, पूनम जी ने भी बताया कि हमारे युवा शक्ति को बहुत अच्छा मिलेगा, सहयोग मिलेगा पढ़ाई में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और हमारे यहाँ की जो जनता है नहीं कर पा रही है, इस राउटर से उनको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा। मैं नितिका शर्मा, द्वारका ये वार्ड है। ये प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वाणी योजना है और माननीय जो मेयर साहिबा है उन्होंने जो इसको MCD साउथ MCD में सबसे पहला कदम उठाया और हम सभी के वार्ड में ये राउटर्स लगेंगे, क्योंकि कोरोना काल में आप सब देख रहे होंगे कि सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और बच्चों की एजुकेशन भी घर से ही थी,
और मेरे यहाँ पे स्लम एरिया है जहाँ वो अपना गुजर बसर नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये योजना बहुत अच्छी है कि जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जो एजुकेशन दी जा रही है घर में, तो उनको ये लाभ पहुँचेगा जो फ्री में वाईफाई लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया का, तो उसमें भी ये सबसे ज़्यादा सहायक होगा सबके लिए कि जो डिजिटल क्रांति आई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अपने महापौर का, अपने एसएलसी का, कि जिस प्रकार से वाईफाई का ये पीएम वाणी योजना के तहत हम प्रत्येक वार्ड में ये सुविधा दी जा रही है, उसका लाभ जैसा कि हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ध्येय रहता है कि आम जनता तक लाभ पहुँचे और हर एक उस पक्ष तक लाभ पहुँचे, अंतर्उदय योजना पर भी हम काम करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर जरूरत है वाईफाई के लिए हम बहुत धन्यवाद भी करते हैं, बहुत खुश भी हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।